हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज IPM का लेक्चर 22 है। इसका मतलब हम लेक्चर 21 तक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, IPM स्ट्रैटेजीज सब कवर किया है ना, जैसे लेजिस्लेटिव, फिजिकल, केमिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, जेनेटिक। सो ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम इस लेक्चर से, मींस लेक्चर 22 से हर क्रॉप में अप्लाई करने वाले हैं, जैसे राइस में, ग्राउंडनट में, टमाटोज में, एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रॉप्स। तो आज हम राइस से शुरू करने वाले हैं। सो राइस में बहुत सारे प्रैक्टिसेस होंगे, जैसे पेस्ट मॉनिटरिंग, कल्चरल, जेनेटिक, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल भी है इसमें, ठीक है। सो हम हर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पेस्ट मॉनिटरिंग है, सो फॉर हाउ मेनी डेज पेस्ट मॉनिटरिंग शुड बी डन, हाउ द फार्मर शुड डू इट, मतलब सब इन डिटेल में होगा, इन डिटेल, ठीक है। सो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ पेस्ट मॉनिटरिंग देखने वाले, इसलिए मैं पार्ट वन लिखा। सो इसमें तो टोटल 3 पार्ट्स होंगे, सो दे विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। सो आज का मेन एजेंडा है पेस्ट मॉनिटरिंग। सो इससे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर इंसेक्ट, पेस्ट, नेमाटोड्स, वीड्स, डिसीजेस, रोडेंट्स एक्सेट्रा, हर इन डिटेल में, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो चलो अब शुरू करते हैं। सो मेजर इंसेक्ट पेस्ट देखेंगे फर्स्ट। इसमें 2 टाइप्स हैं, नेशनल सिग्निफिकेंस, रीजनल सिग्निफिकेंस। नेशनल सिग्निफिकेंस का मतलब है इसका नेगेटिव इफेक्ट या इस पेस्ट का प्रॉब्लम जो है ये नेशनल वाइड होगा, इट्स नॉट यू नो अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट। इसका प्रॉब्लम हर जगह होगा, ये है नेशनल सिग्निफिकेंस। रीजनल सिग्निफिकेंस का मतलब इसका प्रॉब्लम बस एक ही जगह पे होगा, जैसे अगर एक प्लेस पे इरिगेटेड राइस वीट सिस्टम का क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सो वहाँ पे इस प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब है रीजनल सिग्निफिकेंस, इट इज़ डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन ओनली। सो अब हम देखेंगे मेजर इंसेक्ट पेस्ट विच हैज़ द नेशनल सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे है येलो स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट हॉपर BPH, वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर WBPH, लीफ हॉपर, गंदीबग, गालमिज। सो ये है इंसेक्ट पेस्ट विच हैव द नेशनल सिग्निफिकेंस। और दूसरा इंसेक्ट पेस्ट वी हैव द रीजनल, मतलब हर रीजन पे ही इसका प्रॉब्लम होगा। सो इसमें है टर्माइट, सो ये टर्माइट का प्रॉब्लम होगा रेनफेड अपलैंड एरियाज में और द प्लेसेस वेयर राइस वीट इरिगेशन सिस्टम का प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पे टर्माइट्स का प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है राइस हिस्पा है, ये तो होगा बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय एक्सेट्रा। और क्लाइंबिंग कटवॉर्म और राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर और आर्मी वॉर्म, इसका प्रॉब्लम होगा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब इस प्लेसेस में राइस जो ग्रो कर रहे हैं इस प्लेसेस में, वहाँ पे होगा ये क्लाइंबिंग कटवॉर्म का इश्यूज। नेक्स्ट है केस वॉर्म, इट इज़ इन लो लाइंग एंड वाटर लॉक्ड एरियाज, ठीक है, हाईली वाटर लॉक्ड एरियाज जो है वहाँ पे केस वॉर्म का प्रॉब्लम होगा। और थ्रिप्स इन द अपलैंड राइस इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है मिलीबग्स, ये होगा अपलैंड राइस इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडिचेरी एंड कर्नाटका। और पैनिकल माइट, ये भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब ये सब हर स्टेट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए इसका रीजनल सिग्निफिकेंस, मतलब ये पैनिकल माइट इट इज ओनली causes problem in Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, इसलिए इसका नाम है regional significance, ठीक है। नेक्स्ट है रूट वीवल, ये तो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और वाइट ग्रब हिल राइस एंड ब्लैकबर्ग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और ब्लू बीटल, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। आई गेस बस, हाँ यही है मेजर इंसेक्ट पेस्ट नेशनल और रीजनल पे। नेक्स्ट है मेजर डिसीज ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस, इसमें राइस ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीट ब्लाइट, फॉल्स मट एंड ब्राउन स्पॉट। और मेजर डिसीजेस ऑफ रीजनल सिग्निफिकेंस है शीट
शीत रॉट, बकाने स्टेम रॉट एंड राइस टंग्रो वायरस और मेजर निमेटोड्स नेशनल सिग्निफिकेंस में रूट नॉट टेमेटोड एंड वाइट टिप निमेटोड। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर निमेटोड्स रीजनल सिग्निफिकेंस में उफ्रा, ये तो वेस्ट बंगाल असम त्रिपुरा में, और राइस रूट नेमेटोड है उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार एंड एपी, और सिस्ट नेमेटोड है बस केरला में ही है, और रूट लेशन नेमेटोड है अ प्लांट इन एन एसआरएस सिस्टम उड़ीसा एंड झारखंड। नेक्स्ट है मेजर वीड्स, सो ये इकानोक्लोवा साइप्रस रोटंडस वीडी राइस। नेक्स्ट है मेजर वीड्स इन रीजनल सिग्निफिकेंस, ये तो सबको पता है कैमिलिना बंगालेंसिस एक्लिप्टा अल्बा अमरांथस डिजिटेरिया एक्सेट्रा। सो यहाँ पे बहुत सारे वीड्स है, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट है और डिसीजेस हैं। सो ये इसलिए मैंने बोला था दिस विल बी इन डिटेल, मतलब कंप्लीटली इन डिटेल। ठीक है, सो इसका कंटिन्यूशन नेमेटोड्स है लीट्सिया एग्जैंड्रा लेप्टाक्लोवा चाइनेंसिस पैनिकम ब्रकेरिया टास्पालम ऑक्सालिस लैटिफोलिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेजर रोडेंट्स स्मॉलर बैंडिकूट सॉफ्टफर्ड फील्ड रैट इंडियन गर्बिल फील्ड माइस। ठीक है, हाँ बस यही है मेजर रोडेंट्स मेजर नेमेटोड्स मेजर वीड्स मेजर डिसीजेस और मेजर इंसेक्ट पेस्ट रीजनल और नेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो यह इंट्रोडक्शन है। सो अगर आपको कौन सी पेस्ट है कौन सी डिसीजेज है अगर आपको पता चल गया तो इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स और नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स में हर डिसीज़ के लिए हम कौन सी कल्चरल मेथड्स यूज़ करनी है या कौन सी बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करनी है और कौन से प्रीडेटर्स को हम रिलीज़ करनी है ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट रिमेंबर 2 to 3 इन ईच, जैसे पेस्ट 2 to 3 और डिसीजेस 2 to 3 वीड्स 2 to 3 इट्स इनफ। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं पेस्ट मॉनिटरिंग। हाँ, तो ये है सिम्टम्स है। सो बकाने यू कैन सी द सिम्टम्स, ये तो मेजर डिसीजेस हैं और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ब्राउन स्पॉट एंड लीफ ब्लास्ट नूडल ब्लास्ट शीत ब्लाइट एंड फॉल्स मट ऑन द वीट पैनिकल्स, यही इमेजेस फॉर द मेजर डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज द IPM अप्रोच। सो IPM अप्रोच में बहुत सारे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है या बहुत सारे अप्रोचेस है, जैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का मतलब लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म लीगली अप्रोच। नेक्स्ट है कल्चरल है और फिजिकल है और बायोलॉजिकल है और ये जेनेटिक मैनेजमेंट है, मतलब बहुत सारे अप्रोचेस हैं और ये अप्रोचेस इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए, ये है IPM अप्रोचेस, इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसका मतलब लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म का मतलब हमें पता है, सो इट इज़ बेसिकली लाइक द पेस्ट और द इंसेक्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर नॉट अलाउड टू इंडिया। सो अगर तुम एक नया वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो इंडिया में, सो यू शुड गेट दैट सर्टिफिकेट कि इसमें फॉरेन पेस्ट या फॉरेन इंसेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, तो क्लीन है, इट्स प्योर। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब लेजिस्लेटिव रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, लीगली प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स। रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स का मतलब जेनेटिकली एक प्लांट को हमें रेसिस्टेंट बनाना, जैसे हम रेसिस्टेंट जीन्स को इंसर्ट करेंगे ऐसे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड मैकेनिकल, ये तो हम क्रॉप्स को कैसे सो करेंगे, सीड ट्रीटमेंट्स, ये सब कल्चरल एंड मैकेनिकल, हैंड वीडिंग एक्सेट्रा। प्रीडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब हम बायोलॉजिकली हम पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। पेस्ट सर्वाइलेंस एंड मॉनिटरिंग आज है एजेंडा, दिस आर एजेंडा फॉर टुडे। सो पेस्ट सर्वाइलेंस एंड मॉनिटरिंग का मतलब है एक फील्ड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो फील्ड में कितने नंबर ऑफ पेस्ट है और कौन सी वैरायटीज ऑफ पेस्ट है, और ये वैरायटीज और नंबर ऑफ पेस्ट को हम स्टडी करने से व्हाट इज द यूज इज वी कैन नो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कैन बी डन।
ठीक है, अगर एक पेस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है और इसको मारने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये नेचुरल एनिमी है, प्रिडेटर है। सो हमारे पास काउंट है कितने पेस्ट, जैसे 1000 पेस्ट है और हमारे पास 500 प्रिडेटर्स है। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट। सो इजीली हम प्रिडेटर्स को रिलीज करने से वी कैन कंट्रोल द पेस्ट। इसलिए ये पेस्ट मॉनिटरिंग या पेस्ट सर्वेलेंस एक तरीके की स्टडी है। ठीक है, वैसे बायो पेस्टिसाइड्स या बोटानिकल्स का मतलब इसका मेन सोर्स होगा प्लांट्स। सो प्लांट्स से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके वी विल प्रिपेयर द पेस्टिसाइड्स। हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूसेज बहुत कम होगा, बहुत, क्योंकि इसको कंपेंसेट करने के लिए ये है, ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अदर मेजर्स भी है। सो दिस इज़ द IPM। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन यूज़ ओनली वन, ये तो कम्प्लीटली गलत है। इफ़ यू आर यूजिंग कल्चरल, तुम बायोलॉजिकल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब तुम अच्छे से टिलेज कर रहे हो, अच्छे से फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हो, एंड ऑल्सो इसके एडिशनली यू कैन यूज़ बायोलॉजिकली, इसका मतलब यू कैन रिलीज द नेचुरल एनिमीज। सो ये सब इंटीग्रेटेड, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम इंटीग्रेट करके पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज द IPM अप्रोच। ठीक है, सो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है पेस्ट मॉनिटरिंग। सो इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है फील्ड स्काउटिंग या सर्वे। ठीक है, सो फर्स्ट है सर्वे। सो सर्वेस में हम बेसिकली रोविंग सर्वे को चूज़ करते हैं। रोविंग सर्वे का मतलब एक फील्ड है, जैसे द एरिया ऑफ दैट फील्ड इज सो बिग, सो हम लार्जर एरिया ऑफ फील्ड्स को हम सेलेक्ट करके, सो वही फील्ड्स में हम, जैसे एक फील्ड है, जस्ट लेट मी ड्रॉ, दिस इज़ द फील्ड। ठीक है, सो इस फील्ड में इसका एरिया बहुत, इट हैव अ लार्जर एरिया, सो इस फील्ड में हम एक रैंडम स्पॉट्स को सेलेक्ट करके वहाँ पर हम सैम्पल्स लेते हैं। मतलब वी कैन से हाउ मेनी नंबर ऑफ पेस्ट आर देयर, हम पेस्ट को काउंट करते हैं। नॉट ओनली पेस्ट, वी ऑल्सो सी कोई नेचुरल एनिमीज है क्या इसमें, सो दैट वी कैन यूज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली मॉनिटरिंग, कितने पेस्ट है, वेराइटीज क्या क्या है, ये सब हम यू नो वी कैन नो दम। ठीक है, सो ये सर्विस जो है तो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इनिशियल स्टेज है। अगर तुम IPM को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, सो इसका फर्स्ट स्टेप है सर्वे, क्योंकि यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ पेस्ट आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल एनिमीज आर देयर, इसलिए सर्वे फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सो रिजल्ट्स के डिपेंडेंट स्टेट एक्सटेंशन ऑफिसर्स या फंक्शनरीज जो है, सो व्हाट दे विल डू इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट दे विल स्टार्ट इनिशिएटिंग द फील्ड स्काउटिंग। सो सर्वे का मतलब एक लार्जर एरिया को सेलेक्ट करके वहाँ पे दे विल थिंक, चलो यहाँ पे हम सैम्पल्स लेते हैं, यहाँ पे लेते, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो बस डिसीशन है। इसके बाद होगा स्काउटिंग, मतलब दे विल काउंट द नंबर ऑफ पेस्ट। एक है सिलेक्शन है, दूसरा स्काउटिंग, काउंटिंग और यू नो सर्वे करना। ठीक है, सो ये सर्वे इट कैन बी डन बाय आइदर एक्सटेंशन ऑफिसर्स या फार्मर्स, या दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है रोविंग सर्वे। सो ये रोविंग सर्वे का डिस्टेंस होता है एवरी 10 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा है और इफ दे आर डूइंग इन द डिफरेंट एरियाज, जैसे ये एक विलेज है और ये एक विलेज है और इस दोनों का डिस्टेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स है, सो ये सब एक रीजन है। अगर इस दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है, मतलब इस विलेज में बहुत सारे फील्ड्स है। ठीक है, सो इस विलेज का पेस्ट दे आर इन दिस विलेज ओनली, नो मतलब अगर एक फील्ड में एक पेस्ट का प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो विलेज में हर फील्ड में देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ दैट पेस्ट, राइट। वैसे ही सो इट्स रियली यूजलेस टू यू नो टू डू द मॉनिटरिंग इन एवरी फील्ड। इसलिए इफ द फील्ड हैज सॉरी इफ द पेस्ट हैज़ द रीजनल सिग्निफिकेंस,
अगर तुम एक फील्ड को सेलेक्ट करके सर्वे कर रहे हो ये तो फ़ायदा है, ठीक है, इट विल बी यूजफुल, इट्स मोर दैन इनफ। इसलिए रोविंग सर्वे में दे विल सेलेक्ट द प्लेसेस विच हैज़ अ 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस अपार्ट। अगर इसके बीच में 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस है देन विल कॉल इट इज रीजनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो ये सर्विंग दे विल डू एट द इंटरवल्स ऑफ 7 to 10 days। नेक्स्ट है फील्ड स्काउटिंग। सो बेसिकली सर्विंग का मतलब सेलेक्ट करना और स्काउटिंग का मतलब काउंट करना, मीन्स दे विल यू नो दे विल काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट, काउंट क्या है और कौन सी वैरायटीज है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज पेस्ट मॉनिटरिंग टू फेरोमोन्स और लाइट ट्रैप्स। सो पेस्ट मॉनिटरिंग दो टाइप्स की है, एक है ह्यूमंस दे विल परफॉर्म इट, मतलब स्टेट एक्सटेंशन ऑफिसर्स या फार्मर्स या दोनों भी कर सकते हैं, मीन्स एक है थ्रू ह्यूमंस, दूसरा है थ्रू द लाइट ट्रैप्स। हम ट्रैप्स को फिक्स करके वी विल ट्रैप द इंसेक्ट, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, फर्स्ट है लाइट ट्रैप है और द सेकेंड ये है नेट, स्वीपिंग नेट है, और तीसरा है वाटर पैंस, ठीक है। सो ये लाइट ट्रैप्स जो है गाइस हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थ्री इन माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी, सो इवन दो आई एम टेलिंग यू नाउ जस्ट यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। सो ये लाइट ट्रैप्स जो मतलब एक अट्रैक्टिव लाइट्स को यूज़ करके पीपल विल ट्रैप द इंसेक्ट्स। सो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स जो है वी कैन नो व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट इज ट्रैप देयर, द सेम टाइम वी कैन अप्रॉक्सीमेटली काउंट द नंबर। अगर नंबर ज़्यादा है तो वी शुड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वैसे स्वीपिंग नेट है, वैसे ही पैन वाटर पैंस है। सो वाटर पैंस का यूज़ क्या है, इसका कलर देखिए आप, ये तो बहुत अट्रैक्टिव कलर यूज़ करते हैं हम वाटर सॉरी पैंस में। सो ये वाटर पैंस दे विल बी मोर अट्रैक्टिव। सो इंसेक्ट्स जो ये अट्रैक्टिव कलर को देखे दे विल स्टार्ट यू नो घुस जाते पैंस के इन टू द पैंस, सो दैट दे विल गेट ट्रैप्ड इन द वाटर इन साइड द पैंस। या हम ऑयल भी, क्रूसिन, बहुत सारे मटीरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन द इंसेक्ट दे गेट इन टू द पैंस दे विल बी ट्रैप्ड विद द वाटर और ऑयल इन इट, ठीक है। सो ये है पेस्ट मॉनिटरिंग थ्रू फेरोमोन्स। अगर तुम फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर रहे हो सो एक हेक्टर में 5 ट्रैप्स काफ़ी है। सो हम बेसिकली फेरोमोन्स को येलो स्टम बोरर और मॉथ्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और लाइट ट्रैप जो है इसका मेन लाइट ट्रैप यूज है छिंसुरा लाइट ट्रैप, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सॉरी ये है छिंसुरा लाइट ट्रैप। और अगर फार्मर के पास ये लाइट ट्रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, ही कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ लाइट ट्रैप। सो ये लाइट ट्रैप बेसिकली इवनिंग आवर्स में हम यूज़ करेंगे, सो 2 आवर्स इन द इवनिंग आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीप नेट्स और वाटर पैंस। सो ये स्वीप नेट्स और वाटर पैंस हम एक इंसेक्ट का पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए यूज़ करेंगे और बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी, मतलब प्रीडेटर्स, नेचुरल एनिमीज को भी, सो दैट इफ़ वी गेट टू नो एक पेस्ट का पॉपुलेशन और वही पेस्ट का वैरायटी, वी कैन डिसाइड ना कि कौन से पेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है डिसीशन मेकिंग। सो एज अ रिजल्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि पेस्ट मॉनिटरिंग एक डिसीशन मेकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है लाइक टाइप ऑफ पेस्ट, एक पेस्ट का काउंट और वैसे ही नेचुरल एनिमीज का काउंट, सो अगर तुम्हारे पास ये सब डेटा है तो यू कैन इजीली मेक अ डिसीशन कि कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ करनी है ये सब, ठीक है। सो ये है दो टाइप्स ऑफ पेस्ट मॉनिटरिंग, सर्वे और फील्ड स्काउटिंग, ये तो ह्यूमन इंड्यूस्ड है और दूसरा है ट्रैप्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैप्स। नेक्स्ट है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, इसको हम AESA भी कहते हैं। सो ये एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस का मतलब है एक्सटेंशन ऑफिसर्स और फार्मर्स जो हैं वो लोग दे विल एनालाइज द फील्ड सिचुएशंस, जैसे प्लांट हेल्थ, जैसे प्लांट हेल्थ कैसे है और पेस्ट का इफेक्ट, हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ पेस्ट, और सॉइल कंडीशंस, अगर क्रॉप अच्छे से ग्रो करे या नहीं, और एक क्लाइमेट मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन द प्लांट, ये सब एक कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। पेस्ट मॉनिटरिंग का मतलब
बस पेस्ट को मॉनिटर करना ही नहीं है, ऑल्सो मॉनिटरिंग दी प्लांट्स। अगर तुम प्लांट्स को भी मॉनिटर कर रहे हो, इसको हम एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस मतलब इट इज़ जैसे प्लांट के सराउंडिंग बहुत सारे एनवायरनमेंट है, सॉइल, क्लाइमेट, पेस्ट, नेचुरल एनिमीज, इंसेक्ट्स और वीड्स, सो ये सबको एनालाइज करना एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस है, ठीक है। सो अगर तुम्हारे क्रॉप में बहुत सारे पेस्ट है और इस पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स के इफेक्ट बहुत नेगेटिव है और सॉइल कंडीशन, तो ठीक है, लेकिन द क्रॉप इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, सो इसके लिए यू शुड स्टार्ट डूइंग सम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो मैं ऐसे कह सकती हूँ द बेसिक कंपोनेंट्स आर द प्लांट हेल्थ। तुम हर स्टेज में प्लांट हेल्थ को चेक करना, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा है एबिलिटी, मतलब रेसिस्टेंस है या नहीं प्लांट में, वो भी एक कंपोनेंट है। और कितने नंबर ऑफ पेस्ट है, कितने नंबर ऑफ डिफेंडर मतलब प्रीडेटर का पॉपुलेशन है, ये तीसरा कंपोनेंट है। और नेक्स्ट सॉइल कंडीशंस, आर द सॉइल कंडीशंस गुड, इज द सॉइल हैविंग अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी एक कंपोनेंट है। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, आर यू ग्रोइंग द राइट क्रॉप इन द राइट क्लाइमेट, अगर तुम ग्रो कर रहे हो क्लाइमेट का इफेक्ट कैसे है प्लांट पे, ये भी एक कंपोनेंट है। और फार्मर्स का पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट सीजन में इस लैंड में कुछ वीड्स या इंसेक्ट पेस्ट का हिस्ट्री है, ये भी एक कंपोनेंट। ये सबको एनालाइज करना एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ इकोसिस्टम चाहिए, कुछ एनवायरनमेंट चाहिए, ये सब क्लाइमेट, सॉइल, पेस्ट, वीड्स, ये सब इसमें इंटीग्रेटेड है। सो ये सबको एनालाइज करना एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। सो ये कंपोनेंट्स को एनालाइज करके तुम्हें रिजल्ट जो मिल रहा है उसके डिपेंडेंट यू विल डिसाइड कि कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करनी है, ठीक है। सो ये है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। सो इसका मेथडोलॉजी को हम देखेंगे एक बार, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस का। सो फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑन इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज आर टू बी इनिशिएटेड 20 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। राइस को हम ट्रांसप्लांट करने के 20 डेज के बाद वी शुड डू दिस एनालिसिस, क्योंकि राइस सीडलिंग जो है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग अ लिटिल बिट फ्रॉम द 20 डेज। सो इसका मतलब है प्लांट है एक इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे, सॉइल होगा, क्लाइमेट, ये सब होगा। सो तुम वो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद सीडलिंग को तुम ऑब्जर्व करने से यू कैन गेट टू नो ऑल द प्लांट्स आर ग्रोइंग नाइसली और नॉट, और क्रॉप्स में कुछ यू नो इंसेक्ट पेस्ट ऐसे कुछ है या वीड्स है फील्ड में या और नेचुरल एनिमीज है, ये सब को तुम एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो तुम ये एनालाइज करने के लिए एक फील्ड है, सो दिस इज़ अ फील्ड, ठीक है, ब्राउन है फील्ड, ब्राउन कलर। सो ये ब्राउन कलर फील्ड में तुम्हें पांच स्पॉट्स को सेलेक्ट करनी है, पांच स्पॉट, जैसे चार स्पॉट्स एट द टू एजेस, जैसे एक एज में दो स्पॉट्स और ऑपोजिट एज में दो स्पॉट्स और बीच में एक स्पॉट, जैसे दो स्पॉट और बीच में एक स्पॉट। सो ये हो गया पांच स्पॉट्स। सो ये पांच स्पॉट्स को सेलेक्ट करने के बाद ये ऑफिसर या फार्मर, सो दे विल गो टू द स्पॉट्स एंड दे स्टार्ट एनालाइजिंग। वो लोग बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कुछ इंसेक्ट्स है, पेस्ट है और डिसीज है ये सीडलिंग पे, मतलब कुछ ब्राउन स्पॉट्स या ऐसे कुछ दिख रहा है, मतलब डिसीज है और मतलब कुछ डिसीज है क्या, एंड दे ऑल्सो एनालाइज द सॉइल में कुछ नेमेटोड्स है। सो दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स, आर देर एनी नेमेटोड्स इन द सॉइल, आर देर एनी डिसीज सिम्टम्स इन प्लांट, और इज द प्लांट इज टेकिंग यू नो आई मीन न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली और नॉट, मतलब सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है और इसका रूट्स कैसा है, ये सबको एनालाइज करते हैं। जैसे सो एनालाइज करने के बाद दे विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द डेटा। सो डेटा कौन सी डेटा रिकॉर्ड करनी है, एक है प्लांट ग्रोथ, हर वीक प्लांट ग्रोथ को ऑब्जर्व करनी है, एनालाइज करनी है, जैसे हाइट, नंबर ऑफ टिलर है एक प्लांट में और नंबर ऑफ लीव्स है, ठीक है। अगर लीव्स कम है और इसका पोस्टर थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड है, जस्ट रिमूव इट,
ठीक है। सो ये एनालाइजिंग प्लांट ग्रोथ वीकली करनी है और क्रॉप सिचुएशन कैसे, जैसे प्लांट हेल्थ कैसे है, कुछ डिफिशियंट सिम्टम्स है क्या, और क्रॉप स्टेज कैसी है, नंबर ऑफ लीव्स और पेस्ट डिसीजेस, आर देर एनी पेस्ट नियर बाय द प्लांट, सॉइल में देखो नेमेटोड्स है क्या, ऐसे। नेक्स्ट नेचुरल एनिमीज, काउंट द नेचुरल एनिमीज। नेक्स्ट सॉइल कंडीशंस देखो, ठीक है, सॉइल टेस्ट करवा लो, इरीगेशन, प्रॉपर इरीगेशन एंड वेदर कंडीशंस, ये सब है क्रॉप सिचुएशन। नेक्स्ट है इनपुट कॉस्ट, सीड्स, what are the seeds, did you take the certified seeds or not, fertilizers, how much you are you applying the desired quantity or more, pesticides, कौन से pesticides use कर रहे हो, certified या non-certified। next है labor, कितने number of labor है, इन सबको analyze करनी है, और harvest। so finally rice grow होने के बाद इसका yield कितने है per hectare, kg per hectare, और price, what is the price। तो ये सबको एनालाइज करना, यही इसी का मेथडोलॉजी है। सो यू मे थिंक ये तो बस पेस्ट मॉनिटरिंग ही है, वाई वी शुड इंक्लूड लाइक इनपुट कॉस्ट हार्वेस्ट। सो ये पेस्ट मॉनिटरिंग ही है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है। सो ये पेस्ट मॉनिटरिंग का मेन मोटिव हायर ईल्ड है और पेस्ट को कंट्रोल करना, अल्टीमेटली ईल्ड ओनली नो, फार्मर का प्रॉफिट ओनली नो, इज द अल्टीमेट मोटिव। इसलिए ये सब डेटा भी हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए फॉर द फर्दर यूज़। अगर तुम इस मेथड ऑफ पेस्ट मॉनिटरिंग को यूज़ करने से तुम्हें इतना यील्ड मिल रहा है, मतलब अच्छे यील्ड मिल रहा है, सो इन द फर्दर तुम यू कैन यूज़ द सेम पेस्ट मॉनिटरिंग। जैसे ये एक मेथड है, इसका प्रूफ है अच्छे यील्ड, वैसे ही सेकेंड मेथड इसका प्रूफ है गुड यील्ड, इसलिए हम यील्ड्स को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द AESA मेथड, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। सो इट बेसिकली मीन्स इन व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस अ प्लांट इज ग्रोइंग, इसको एनालाइज करना बेसिकली AESA। सो नेक्स्ट है पेस्ट डिफेंडर रेशियो। सो तुम एक प्लांट को या एक स्पॉट को चूज करने के बाद यू विल गो एंड एनालाइज द नंबर ऑफ पेस्ट एंड नंबर ऑफ नेचुरल एनिमीज। सो पेस्ट है इंसेक्ट पेस्ट, आ तो पता है, डिफेंडर का मतलब नेचुरल एनिमीज है, प्रीडेटर ऑफ पेस्ट। सो अगर हम ये PD रेशियोज फॉर येलो स्टम बोरर के लिए देखें, सो यू मे थिंक हाउ वी विल काउंट, स्वीप नेट्स को यूज़ करके, विजुअल काउंट्स, या ट्रैप, लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन्स, ठीक है। सो ये सबको हम यूज़ करके हम पेस्ट को पकड़ते हैं, सो पकड़ करने के बाद वी विल काउंट देम। सो पेस्ट में मतलब वो रिजल्ट इंसेक्ट्स जो है ना हमारे हाथ में, उसमें पेस्ट भी होंगे और नेचुरल एनिमीज भी होंगे। सो एक छोटी सी डेटा को कलेक्ट करने के बाद इफ़ यू सी द रेशियोस इन द स्टेम येलो स्टेम बोरर, मतलब अगर 5 येलो स्टेम बोरर है, जैसे आप इसको देखिए, सो ये डेटा है येलो स्टेम बोरर के हिसाब से, ठीक है। सो 5 येलो स्टेम बोरर है, अगर अगर एक रिजल्टेंट में एक येलो स्टेम बोरर है, उसका प्रीडेटर मतलब कैरेबिट बीटल होगा 5, मतलब 5:1 रेशियो में होगा। अगर एक येलो स्टेम बोरर है, मिरिड बग होगा 3, वैसे ही एक येलो स्टेम बोरर है, रेजुविट बग होगा 6। सी व्हेन यू डू द स्वीपिंग नेट, व्हेन यू कलेक्ट द इंसेक्ट पेस्ट नो, इसमें तुम्हें पता नहीं है कौन सी इंसेक्ट है और कौन सा प्रीडेटर है, मतलब कौन सा नेचुरल एनिमी है। इसलिए इफ़ यू टेक अ सैम्पल, इसमें एक येलो स्टेम बोरर होगा, इसमें नॉट ओनली येलो स्टेम बोरर बहुत सारे पेस्ट होंगे, लेकिन हम सिर्फ येलो स्टेम बोरर के हिसाब से ही देख रहे हैं, और येलो स्टेम बोरर के अलावा नेचुरल प्रीडेटर्स भी होंगे। सो ये है लिस्ट ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स। सो अगर ये केलो स्टेम बोरर है, सैम्पल में 5 कैरेबिड, 3 मिरिड, 6 रेजुएट, 15 वुल्फ स्पाइडर, 2 लिंक स्पाइडर, 8 जंपिंग स्पाइडर, 4 ड्वार्फ एंड 2 लॉन्ग जॉ स्पाइडर, 3 लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रास होपर, 20 ईयर विक, 30 वैस एंड 4 आर प्रेइंग मैंटिड, ये सब है येलो स्टेम बोरर का प्रीडेटर्स, नेचुरल एनिमीज कह सकते हैं, ठीक है। सो ये पेस्टिस्ट टू डिफेंडर रेशियो, अगर एक सैंपल में
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द येलो स्टेम बोरर टू द प्रीडेटर, सिंपल. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट या द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ पेस्ट टू द प्रीडेटर इन अ पर्टिकुलर सैम्पल. सो ये है ये एससीए का मॉडल. सो डेट, विलेज, फार्मर का नाम, और आफ्टर एनालाइज करने के बाद सॉइल कंडीशन कैसी है, वेदर कंडीशन, कितने नंबर ऑफ पेस्ट है, कितने नंबर ऑफ नेचुरल एनिमीज है, कौन से डिजीजेस है, और इसका सिवियरिटी कैसी है, और वीट टाइप्स और रोडेंट डैमेज, अगर रोडेंट डैमेज है सो व्हाट आर द रोडेंट डैमेज. यह मॉडल, ये से चार्ट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. यहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, इस चार्ट पे. सो लास्ट है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेजर पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप. सो बेसिकली इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब है हर इंसेक्ट में एक नंबर होती है. जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, सो प्लांट पे एक इंसेक्ट पेस्ट इट स्टार्टेड फीडिंग ऑन इट. सो एक इंसेक्ट पेस्ट, एक पेस्ट आया है, इट स्टार्टेड फीडिंग. सो इवन दो प्लांट इज़ गुड, प्लांट में कुछ चेंजेस डैमेज ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से थ्री पेस्ट आके इट स्टार्टेड फीडिंग ऑन द प्लांट, देन द प्लांट स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स. सो ये तीन पेस्ट जो है एक प्लांट पे वील कॉल इट एज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. सो ये तीन पेस्ट आने के बाद सिम्टम्स और डैमेज दोनों शुरू हो गया है, इसलिए ये तीन नंबर पे वी शुड स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो ये तीन को हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, मतलब द आई मीन द स्टेज एट विच वी शुड कंट्रोल द पेस्ट. अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे दो देन द प्लांट विल बी डैमेज्ड. अगर प्लांट डैमेज होगी इसको हम इकोनॉमिक इंजूरी लेवल कहते हैं. ठीक है, सो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मतलब द स्टेज एट विच यू शुड स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तीन पेस्ट है एक प्लान पे, सो तीन पेस्ट इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग इट, इट विल लीड टू इकोनॉमिक इंजूरी लेवल. सो इग्नोर मत करो, स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो तुम कुछ लेवल पे यू आर डूइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसको हम ETL कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. सो हर स्टेज में, मतलब हाँ, राइस में टोटल चार क्रॉप स्टेजेस होते हैं. वी कैन से द ससेप्टेबल स्टेजेस, नर्सरी ये तो ससेप्टेबल स्टेज है, और अर्ली टू लेट टिलरिंग स्टेज, और पैनिकल इनिशिएशन, एंड फ्लावरिंग टू मिल्की ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज. सो ये चार स्टेजेस बहुत ससेप्टेबल स्टेजेस होते हैं, और ये चार स्टेजेस पे मिनी नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट दे विल स्टार्ट फीडिंग ऑन इट. सो हर इंसेक्ट पेस्ट को एक ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इसको हम देखेंगे इस टेबल में. सो आप देख सकते हो नर्सरी का, इट इज ससेप्टेबल टू तीन डिसीजेस, येलो स्टेम बोरर, रूट नॉट नेमेटोड, MBLB. इट इज बेसिकली अ डिसीज. ठीक है, सो येलो स्टेम बोरर, रूट नॉट नेमेटोड है पेस्ट. सो इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है 1 egg mass पर मीटर स्क्वायर. एक मीटर स्क्वायर एरिया में अगर एक एग मास है, सो ये एग इट विल हैच टू बिकम अ लार्वे, इसके बाद होगा एडल्ट, इसके बाद स्टार्ट फीडिंग ऑन इट. इसलिए अगर इफ़ यू सी 1 egg पर मीटर स्क्वायर देन स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अगर तुम रूट नॉट नेमेटोड, इफ यू सी 1 nematode पर ग्राम ऑफ सॉइल, स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. If not, the plant will be damaged. वैसे ही early to late tillering stages में इतने सारे number of हैं. So, leaf folder, 2 fully damaged leaves with larva. Stem borer, 2 egg mass per meter square. Do the management practices. Galmich, 1 gall per meter square. Do the management practices. वैसे ही brown plant hopper और white backed plant hopper, rice hispa, rice case form, मतलब हर plant को एक economic threshold level है. जैसे 2 adults, if you see, do the management practices. If you see the swarming caterpillar, so अगर तुम एक damaged tiller को देख रहे हो, do the management practices. वैसे brown spot disease है, if you see 2 to 3 spots on the infected plant, do the management practices. So ये सब है indications है. अगर तुम एक एग्मास, एक नेमेटोड, एक गॉल, 15 hoppers को देख रहे हो, इनडायरेक्टली यू शुड डू द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अगर तुम नहीं करोगे द प्लांट
विल बी डेड। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कहते हैं। और दो स्टेजेस भी है, पैनिकल इनिशिएटिंग टू बूटिंग और फ्लावरिंग टू मिल्की ग्रेन। इसमें भी बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस हैं और इसका इंडिकेशंस है, दो मास सॉरी दो एग्स, फाइव टू टू फाइव नेक इन्फेक्टेड, दो बग्स, न्यू ईटीएल होंगे और 15 to 20 hoppers। ये सब इंडिकेशंस है, इसका मतलब यू शुड स्टार्ट डूइंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, आई गेस बस यही है आज के लिए। हाँ बस यही आज के लिए। सो इन टूडेज वी हैव लर्न्ड ओनली पेस्ट मॉनिटरिंग, इसका मतलब हम पेस्ट को कैसे मॉनिटर करेंगे, कौन सी इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे और कितने दिन के लिए करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट को भी हम देखा है। देयर दिस आर द मेजर पेस्ट, मेजर डिसीजेस, मेजर वीड्स, मेजर रोडेंट्स, मेजर नेमेटोड्स। सो आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली यू शुड लर्न व्हाट डिसीजेस कौन सी है, नेमेटोड्स कौन सी है, सो दैट ना यू कैन सी हियर। येलो स्टेम बोरर एक पेस्ट है, ठीक है। सो येलो स्टेम बोरर के लिए दिस इज द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब अगर इफ़ यू नो द नेम यू कैन नो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल। और अपकमिंग लेक्चर्स में भी हर इंसेक्ट पेस्ट के लिए अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे, हर इंसेक्ट पेस्ट के लिए अलग अलग प्रेडेटर्स होंगे, दिस ऑल विल बी लुकिंग। दैट्स वे आई रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट लर्न द नेम्स ऑफ द मेजर पेस्ट, मेजर डिसीजेस, वीड्स, नेमाटोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो thank you for watching guys. In today's lecture we have learned about pest monitoring, and in the next lecture we will see the cultural practices, okay, and we'll try to cover the genetic also if there is time. So thank you for watching. If you have any queries you can ask us on our Instagram page, or you can post in the comment section also, and you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching, stay tuned.